हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अभी सुबह सुबह रेडी हो गया हूँ एंड पीयूष तो ऑलरेडी तो स्कूल जा रहा है, जाना पड़ेगा। तो ये स्कूल जा रहा है, ये छुट्टी नहीं कर रहा एक्चुअली। आज फ्लाइंग भी सर आने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तब इनको बुला लेंगे स्कूल से। स्कूल बगल में स्कूल है तो मम्मी जाके बुला लेगी, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बट स्कूल जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये एक दो घंटे एक दो पीरियड भी लगा लेगा तो बहुत है। हमको टाइमिंग नहीं पता वो किस टाइम आएंगे, इसीलिए मैं सुबह सुबह रेडी हो चुका हूँ और अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पराठा और चाय आ चुकी है, तो बस फिलहाल वेट कर रहे हैं, देखते हैं किस टाइम तक आते हैं, कैसे आते हैं, जो भी रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। रात रात में पूरा A3 साइज हो गए। A2 साइज है भाई, A3 भी नहीं है, बहुत बड़ा है भाई। टाइम लगा हुआ ना बहुत भाई, पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं चला कंप्लीट हो गया। ये 6-7 घंटे लग गए होंगे। नहीं लगे 6-7 घंटे, 3.5 घंटे। इतनी जल्दी बना दिया? पहली बार बनाया भाई इतनी जल्दी, एक्साइटमेंट हो रही थी मिलने की। रात को 10:30 बजे स्टार्ट किया था, मुझे लग नहीं रहा था बनेगा। पापा जी ने बोला था कि तेरे से नहीं बनेगा, फिर पता नहीं कैसे बन गया। सर जोशी आर्ट्स में यार, कोई फालतू ऐसे हो ना। लालो मेन लालो, आइए आपका इंतजार था। रात रात में क्या बात है। अभी किसका फोन आया भाई साहब? मुझे लगा फ्लाइंग बी सर का आ गया। तो बात ऐसी है कि ये मेरे पास दो पोर्ट्रेट हैं, एक है फ्लाइंग बीस्ट सर का और एक है रश्मि का। रश्मि का तो काफ़ी बड़ा है, तो मुझे समझ में आ रहा है उनको मैं दूंगा कैसे, क्योंकि फ्रेम तो करवाया नहीं, और फ्रेम करवाना है बिकॉज शायद वो फ्लाइट में जाते हैं यहाँ से, तो फ्लाइट में शायद अलाव वगैरह नहीं होता, तो मैं कुछ जुगाड़ करके दूंगा जो भी करेंगे। फिलहाल मैं इस पर स्प्रे करता हूँ बिकॉज फैल जाएगा नहीं तो, ये चारकोल ग्रेफाइट दोनों यूज़ किया है, हाथ वगैरह लगाएंगे तो फैल जाएगा, फैलने से बचने के लिए स्प्रे करते हैं। ये है मेरे पास स्प्रे, तो चलो। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी पार्किंग में, जहाँ पर हमारी गाड़ी तो आई नहीं अभी तक, बट यहाँ पर आएगी सीधा फ्लाइंग बीस्ट सर की गाड़ी। तो यहीं पे सोच रहे हैं हम खड़ी करवाते, बिकॉज हमारी गली में तो जगह है नहीं और आसपास खड़ी करवाना ठीक नहीं है, तो पार्किंग में सही है, यहाँ पे सेफ रहेगी, तो यहीं पे खड़ी कराएंगे। अभी फिलहाल ये गेट को खोल देते हैं ताकि वो आएंगे सीधा, गाड़ी अंदर डालेंगे और सीधा हमारे घर चलेंगे। वाह, खुल गया, हाँ आ जाएगी गाड़ी तो आराम से। ये तो पूरा खुल गया था, इसको कटवाना है यार बेटा, गेट को, ये गेट को खुले रहने देना, ठीक है, इसको बंद मत करना, हाँ बस ओनली ताला मत लगाना बस। तो अभी 1:15 हो चुके हैं और अभी तक सर नहीं आए हैं। मैंने पूछा था तो कह रहे थे 3 बजे तक पहुँचेंगे। अच्छा हुआ पीयूष को स्कूल भेज दिया, 2 बजे तो वो स्कूल से ही आ जाएगा। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिलहाल मैं अभी लंच कर रहा हूँ, यहाँ पे है रोटी, हरी सब्जी, आलू गोभी एंड लस्सी, तो मस्त खाते हैं और वेट करते हैं 3 बजने का। तो भी पीयूष आ चुका है स्कूल से, अच्छा हुआ तो स्कूल चला गया, छुट्टी नहीं करी। तो गाइस फाइनली वो पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में हमारे घर पे, बस पास में ही है, तो काफी धड़कन तेज हो रही है, तो चलो चलते हैं, यहीं पे मिलेंगे वो अपने को। खोल 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 भाई साहब, अबे शायद से वो शायद से इधर से आएंगे, इधर से भी आ सकते हैं। पीयूष वहां से देख रहा है, मैं इधर से देखता हूँ, तू कैमरे पे नजर रख। आज के लिए तू मेरा कैमरा मैन है, ठीक है। तो यहाँ पे गली खोद रखी है इसलिए वो गाड़ी नहीं ला पाएंगे, इसीलिए अपने को उनको थोड़ा घुमा के लाना पड़ेगा। आजा पीयूषी, मैं जाता हूँ उन्हीं के पास, मुझे पता है वो कहाँ पे होंगे। अभी कॉल आया था उनका, भोरी भोरी गाड़ी गाड़ी दिखी मुझे। सर सर, अरे इधर घुमा ला एक बार, हमें इधर ही जाना है, लेकिन इधर से आगे से घुमा के जाएंगे ना, इधर खुद ही हुई है गली। पीयूष अपने स्वैग में साइकिल में आते हुए, भाई साहब मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं है, पता नहीं किसकी, किसी और की है। हाँ घुमा लो घुमा लो, ले आओ ले आओ ले आओ, आंडो 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 सीधा। मैं बैठ जाऊँ क्या? चलो यहाँ से स्ट्रेट ले लो बिल्कुल, फिर लेफ्ट लेना। ये पीछे पीयूष का दोस्त है। हाँ गली में होगा ना, हम सुबह से इतना वेट कर रहे हैं, इतना मतलब आज मैं इतनी जल्दी उठ गया था। ना हमको भी आती है हरियाणवी, हाँ यहाँ रहे ना बचपन से। लेफ्ट ले लो यहाँ से, पीछे बैठ जाएगा। वो रहा पीयूष साइकिल पे, पीयूष साइकिल पे रास्ता दिखा रहा है, रास्ता नहीं मजे ले रहा है। हाँ मजे ले रहा है वो। ओ चला कैसे रहे हो? हाँ बस यहाँ से लेफ्ट ले लो, हमने पार्किंग ओपन कर रखी है। गली में नहीं, इसमें घुसा देना, इस प्लॉट में, इस प्लॉट में घुसा दो। हाँ उल्टी घुसाओगे उल्टी भाई साहब, हमारी पार्किंग में फ्लाइंग बीस्ट की गाड़ी, मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज पार्किंग खाली खाली नहीं रहेगी।
आने दो 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 आगे लो आगे। हाँ बैग में ऐसे घुसो, बैग में ऐसे घुमा दो। हाँ घुमा दो घुमा दो घुमा दो। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 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 कर दे बंद कर दे, इधर से कुंडा लगा ले। सर इधर से आ जाओ। रश्यू आके ही सो गई। तो फाइनली जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं तो दो दिन से लिटरली मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ओरियो को मैं पकड़ता हूं। ओरियो को पकड़ ले। हाँ छोड़ियो मत भाई, छोड़ियो मत भाई इसको, प्लीज आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ। ओरियो नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं। To be daring, baby, dance the night away. I let my head down. Welcome to my studio. Thank you so much. ये पेंट आप तो आई थिंक पेंटिंग भी। हाँ जी हाँ जी, मैंने आपकी भी बनाई है। अरे नमस्ते करो, नमस्ते करेगा ये आपको। नमस्ते बोलो। सारे आपकी? हाँ ये सारे आर्टवर्क्स। रुको मैं आपकी भी दिखाता हूँ। दस घंटे, बीस घंटे, तीस घंटे। गलत है, मैं आप रोज तेल लगा रहा हूँ बाल का मैं मेरे। कोई बात नहीं, वो मैं अभी कर दूंगा। बहुत अच्छी है, पता मैंने आपकी पेंटिंग्स पहले भी देखी है आपके दूसरे उस पे। अच्छा। बहुत अच्छी है। मैंने ना बहुत ट्राई किया था आपको कांटेक्ट करने का जब मैंने बनाई थी, मैंने बहुत मतलब 3-4 महीने पहले बनाई थी। तो कोई रिप्लाई नहीं आया। अब आप घर पे आए हो। रस्सी की भी दिखाता हूँ, वो तो मैंने कल ही बनाई है रात को। रस्सी की मैंने बड़ी बनाई है थोड़ी। अरे ऋतु कितनी प्यारी है तो। अरे वाह, तुम फ्रेम कराएंगे यार। रश्यु कैसी लग रही? रश्यु थैंक यू फॉर बोलने का। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू बोलो। रश्यु पेंसिल से भैया ने ऐसे हाथ से बनाई है। बहुत अच्छी है यार, तो ये बहुत बहुत ज्यादा फाइन बोल रहे हैं भैया। कहीं जब लग जाए वो अभी देखी देखी। हां बहुत अच्छा काम। थैंक यू थैंक यू। ओरियो कुछ नहीं करेगा, खेलेगा। चलो सर, नहीं सर को नमस्ते करो एक बार, बोल नमस्ते 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 नमस्ते। पीसी ये साहिल तू एक काम कर, बोल यार वही जो मंदिर में है, जल्दी जल्दी जा, जल्दी जा। तो मेरा कल ये गोल्डन ब्लू बटन आया था, हाँ तो आप भी आ रहे थे, तो मेरी विश थी कि मैं आपसे अनबॉक्स कराऊं। नहीं नहीं तो आप ही करोगे सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज आप ही करोगे सर, प्लीज आपको ही करना चाहिए क्योंकि आपकी आपकी मेहनत है ये पूरी पूरी। हम हैं, हम ताली बजाएं पीछे से। बोलो बोलो बोलो। ये बहुत सही है तो। रश्यु क्लैपिंग। ये पोलाइटली बोल दो, एक बार पोलाइटली बोल दो। कैसे करते हो बता दो। प्लीज पापा मेरा लो। एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, एक बार, एक बार बोल दो। ग्रेप्स ही हैं, ग्रेप्स। ग्रेप्स ही हैं, पोलाइटली पोलाइटली बोलो। तभी बोलो भाई, तभी मिलेगा भाई। रश्यो पोलाइटली बोलो तब ग्रेप्स मिलेंगे। एक बार ऐसी खा लिया। तो अभी हम रश्यो के लिए लगाएंगे चूचू टीवी, फिर पोलाइटली बोलोगे चूचू टीवी। चिकलू चिकलू ओ मेरा चिकलू, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी नसबरी, ओ मेरी प्यारी परी।
ये भी गाती है अब तो डॉगी को ला लो डॉगी को लाऊं डरोगे तो नहीं पक्का अरे उस लेगा तो फिर पकड़ लियो ठीक है गया आपके सामने पेश हो रही हूं ऐसा तो कि खटड़ाएगा जरा अच्छा बोल दो और इनो भैया हमारे नाम आशे हैं इसमें दिख गए थे नहीं हम तो आपके साथ ही थे लेकिन इसमें ऐसे दिख जाते हाँ दिख जाते हैं जैसे जो जो गाड़ी पार्क किए वो यहाँ पे किया ना ये वो प्लॉट हमारा ही है हमने अभी पार्किंग बनाई है वहाँ पे गाड़ी के लिए हमारी गाड़ी आनी रही है हमने बुक तो कर दिया कौन सी लगा इनोवा कि फैमिली के लिए ना लेकिन फिर तो अंदर आएगी नहीं तो बड़ी गाड़ी है आ जाएगी हाँ वहीं पे चाय हमको बताना आपको बहुत पसंद है तो बताना टेस्ट करके कैसी है रशु एक बार ऐसे बोल दो आटा दाल सब्जी बोलना एक बार बोल दो बोलो खाने में क्या खाता है चाय कैसी लगी आपको चाय तो मैं पी लेता हूँ तो गाइस कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो जिससे बहुत ज्यादा एडमायर जिससे बहुत कुछ सीखा हो आपने और सडनली वो आपके घर पे आ जाए मतलब मेरे साथ हो गया थैंक यू सो मच सर आपने थैंक यू इनवाइट किया आपने इतना अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसा लगता है जानते हैं आपकी फैमिली को मेरे को तो लिटरली बिलीव ही नहीं हो रहा अभी भी थैंक यू सो मच सर थैंक यू मैंने मतलब जितना भी काम है जो भी मतलब मैं सिर्फ आपसे सीखता हूँ सब कुछ थैंक यू सो मच बहुत बड़ी बात है मेरे लिए पता है तभी मैं इम्प्रूव हुआ हूँ थैंक यू सो मच तो अभी फोटो सेशन चल रहा है मुझे तो पता ही नहीं था Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your bars, beauty queens without no gloves. You can do better. I dare you to be wilder. और ये देखो भाई वहां पे ऊपर से देख रहा है रशी ड्रोन को बुला रही है देखो ड्रोन को कंट्रोल कर रही है अब कहाँ जाना बता पास की दूर पास आ गया ऊपर ध्यान से ऊपर है ध्यान से हम भी ये वाला ले लें मतलब ट्रैवलिंग में बहुत आसान है बाकी को ट्रैवलिंग झंझट है नहीं इसको नहीं दे इसको ना दे तो अभी अराउंड 4 बज चुके हैं एंड सर जा रहे हैं थैंक यू सो मच थैंक यू भाई थैंक यू सो मच अरे अरे नहीं भैया चलो नहीं मैं बहुत छोटा उम्र में भैया मेरे पैर छू बस यार अच्छे चलो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से खूब तरक्की करो खुश रहो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू बाय बाय अच्छा अंकल थैंक यू अच्छा अंकल आओ भाभी चलिए फिर बाहर तो निकालो ये चला गाड़ी नहीं चलाएगी ये देखो ऐसी चलाएगी गाड़ी मैं आगे के बाइक पे चलूं आपको वहां तक छोड़ दूं मेन रोड तक आप उधर ही जाओगे इधर तक छोड़ चले जाएंगे ना नहीं इधर तक छोड़ देता हूँ मेन रोड तक चलो फिर चलो एक्चुअली गलियां थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं उनको बाइक पे रास्ता दिखा देता हूँ तो भी पापा जी और मम्मी जी मिल रहे हैं अरे तू कहाँ जा रहा है क्यों सी बिलीव हो रहा है तेरे को मेरे को तो हो ही नहीं रहा उतर रहे हैं क्या अच्छा गिफ्ट लाए थे अच्छा वही आया साथ में रशु कैसा लगा आपको हमसे मिलके ओरियो से मिलके कैसा लगा अच्छा हुआ साथ में आ गया नहीं तो ले कैसे जाते आ,
हाँ नहीं तो लेके भी नहीं जाता। अरे सर मेरे को आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। सर पेन मिल जाएगा आपके पास? थैंक यू। इसी पे कर दो आप, हो जाएगा ना इस पे? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लो सर थैंक यू सो मच। ठीक है रशी बाय। बाय बाय कर दो बाय बाय। ठीक है मैम बाय बाय। बाय सर। हाँ जी ठीक है। रुक रुक पहले मैं बैठूंगा, रुक इधर से सीधा चले जाना। और ही चलो अंदर भाई। ये रैपर कभी जिंदगी में नहीं फेंकूंगा मैं, ये रैपर बचा के रखें, इसको आराम से खोलेंगे अभी नहीं। तो मम्मी जी कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। पापा जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया ना, चाय पी रहे हैं फिलहाल। अब मैं सोच रहा हूँ जल्दी से ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करूँ, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ कि हम मिल चुके हैं। तो अब जल्दी से एडिटिंग करेंगे। और ये जो है इसके ऊपर सर ने क्या लिखा है पता है? ये बाद में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट व्लॉग में अनबॉक्सिंग करेंगे यार, अभी नहीं करते ना। आज हो गया हमारा, बस आज हो गया। तो अभी रात के बज रहे हैं 11, फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करूंगा। और आज का दिन तो जैसे कि मेरा बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ मैं कह सकता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब एक्साइटेड था मैं, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा मिस्टर गौरव तनेजा सर से मिलके। मतलब इतने ज़्यादा हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, बिल्कुल टॉप पे हो करके भी वो मतलब मेरे घर पे आए। मतलब मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था ये कि वो घर पे आएंगे। मैं ना इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ ना, मैं मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को कैसी फीलिंग आ रही है। एक कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है मैं क्या कहूँ यार। मैं आप लोगों को भी थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच। फ्लाइंग बिच सर को भी थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच। एनीवेज गाइज फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी पार्किंग में। तो आज यहाँ पे कैसे है यार बाबा जी ब्लॉग भी में? Let yourself be free and maybe you will find a thing.